Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, yesterday I have given you work in your spark book that is narration. I hope you have tried, but I knew very well that you faced some difficulties related to this concept. Don't worry, practice makes man perfect. We will do more and more practice. Okay? बिकॉज दिस कंसेप्ट विल टेक टाइम ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए ये नहीं होना कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आई विल गिव यू वर्कशीट्स ओके लेट स्टार्ट मिसिज खन्ना सेट ही डजेंट नो हाउ टू ड्राइव मिसिस खन्ना सेट दैट शी डिडेंट नो हाउ टू राइट नाउ दिस इज माई प्रेजेंटेंस डू नॉट डज नॉट नाओ आई हैव चेंज दिस

here there last the previous ago before now then next the following this that today that day tomorrow the next day tonight that that night yesterday the day before okay Mita said that ketan had washed his bike the day before we have changed yesterday into the day before okay and दिस वॉज माई पास्ट टेंस एंड आई हैव चेंज दिस टेंस इंटू पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो थी नरेशन की उसमें क्लियर किया हुआ है कि कौन सा टेंस कौन सा टेंस में चेंज होगा यू सेड वी लर्न द डायलॉग्स ऑन टाइम सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट यू सेड दैट यू हैड लर्नड द डायलॉग्स ऑन टाइम I said he is obsessed with French. I said that he was obsessed with French. The doctor said you must take care of your health. वैसे एक सजेशन है डॉक्टर का तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं द डॉक्टर सजेस्टेड ठीक है बट अभी हम सिंपल स्टेटमेंट्स वाले कर रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना हमने तो हम ये सेट लगा के ही करेंगे द डॉक्टर सेट दैट आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई health because the doctor suggested me okay i must take care of my health the trainer said to him if you focus you will be a great cricketer one day the trainer told him that if he focus he would be a great cricketer fine if he focus he would be a great cricketer one day vani said my working hours are long vani said that हर वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग आर वर यानी जो पास प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो गया और वाणी के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया समीर सेट आई यूज टू राइट स्क्रिप्ट समीर सेट दैट ही हैड यूज टू राइट स्क्रिप्ट पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ओके नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द इन डायरेक्ट स्पीच स्नेह सेज टू हर पेरेंट आई प्रोमिस टू गो टू स्कूल नाउ दिस इज माई जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है आपको पहले भी बताया था ना इंट्रोडक्टरी, इट इज इन प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो होता है तो वो चेंजेस नहीं होते ना नेक्स्ट उसमें स्नेह सेज हर पेरेंट्स दैट शी प्रोमिसज अब मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा एज इट इज़ बट आई के साथ हम वर्ब के साथ एस और एज का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो प्रोनाउन है वो शी है सिंगुलर नंबर है तो मैंने यहाँ वर्ब के साथ एस का यूज़ किया शी प्रोमिस टू गो टू स्कूल द बैंक मैनेजर सेट वी कैन नॉट सेंक्शन यू अर लोन द बैंक मैनेजर सेट दैट दे कुड नॉट सेंक्शन देम अ लोन जतिन इन सेट टू हिम यू हैव डी हैंडराइटिंग हैव चेंज चेंजेस इन टू ड जय थिंग टोल्ड हिम दैट ही हैड डर्टी हैंडराइटिंग नाउ द स्टूड सेट टू दैसेंजर्स वी आर फ्लाइंग ओवर द अटलांटिक ओशियन हुड स्टूएड इज पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन शिप जो शिपे पैसेंजर्स होते हैं यात्री होते हैं उनको लुक आफ्टर करता है उसको स्टूएड बोलते हैं ठीक है द स्टूएड टोल द पैसेंजर्स दैट दे वर फ्लाइंग ओवर द अटलांटिक ओशियन मंजी सेट टू देंडर वेंडर कौन होता है जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाके अपने जो भी गुड्स होते हैं उनके पास सामान होता है उनको सेल करते हैं या जो रोड के साइड में बैठे होते हैं उनको वेंडर्स बोलते हैं ठीक है द फ्रूट्स यू गेव मी येस्टरडे वर रियली एक्सपेंसिव अगेन येस्टरडे मंजी टोल द वेंडर दैट द फ्रूट्स ही हैड गिवन द फ्रूट्स ही हैड गिवन क्योंकि मेरा क्या है सिंपल पास्ट गेव ही वेंडर की बात हो रही है ही हैड गिवन हर किसको दिए मांझी को द डे बिफोर वर रियली एक्सपेंसिव यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे चेंज कर चुके हैं द टीचर सेड टू मी रवि यू आर अटेम्प्टिंग द रोंग क्वेश्चन द टीचर टोल्ड मी दैट रवि यू आर अटेम्प्टेड द रोंग क्वेश्चन Taruna said to me, I shall meet you in the evening. Taruna told me that she should, shall change into should. Meet me in the evening. Now the question words we have discussed in video yesterday. akansha said, When are you going to explain this? This is my present continuous tense. Is Mr plus verb ing. Akanksha asked in question sentences, we have to write asked. Akanksha asked when you were going to explain that. Akanksha asked when you were going to explain that. Rinki said to her, Will you help me with my homework? Rinki inquired, or you can write asked. Both are correct. Okay. Rinki asked, or Rinki inquired her. अब मेरे डब्ल्यू एच वाले मैंने बताया था जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इफ का यूज़ नहीं होगा डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है अब जैसे यहाँ पे था हाउ वेन वाई वेयर अब जो हमारे विल शेल हैव हैज हैड डू डिड इनसे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं इफ़ रिंकिंगयर्ड हर इफ़ शी वुड हेल्प हर विद हर्स होमवर्क Nitin said can you play with me Nitin asked if he could play with him Jitender said who is there Jitender asked who there, who there was He said to me what can i give you he asked me what he could give me The guest asked where is the function The guest asked where the function was She said to me are you not boarding to the flight to Delhi she inquired me or she asked me if I was not boarding the flight to Delhi, I said to my friend, Shall I get some chips? I inquired my friend if I should get some chips. Now, next. Now we will do these sentences by using request.

द ऑफिसर सेट टू दोल्जर्स गो एंड फाइट द एनमी द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स टू गो एंड फाइट द एनेमी माई फादर सेट टू मी यू शुड रीड द क्वेश्चन टू आइस माई फादर सजेस्टेड मी टू रीड द क्वेश्चन टुवाइस ओके स्टूडेंट दिस वॉज यूअर होमवर्क टूडे आई एम सेंडिंग यूर वर्कशीट ऑफ अ वेरी सिंपल सेंटेंसेज ओके स्टेप बाई स्टेप करेंगे आज मैं सिम्पल स्टेटमेंट्स वाले आपको दूंगी ठीक है हिंट भी होगा उनके साथ आज भी कल संडे को भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी यू विल गेट ऑल्सो अ वर्कशीट ऑन संडे ओके ओनली टेन सेंटेंसेज विल बी देयर ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से फिर उसके बाद हम क्वेश्चन वाले करेंगे वर्कशीट में स्टेप बाय स्टेप वी विल डू आर होल वर्क ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे बाय बाय